साधुर एव स मंतव्य। साधु जो है वह भक्ति का अनुगामी है, और यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि यदि हम ब्रह्म या आध्यात्मिक रियलाइजेशन चाहते हैं तो हमको आसक्ति जो है वो साधुओं के प्रति लगाना पड़ेगा या भगवान के भक्तों के प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु भी ये बताते हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। हम अगर एक साधु का हमको लव मात्र भी संग प्राप्त होता है तो हमारी सिद्धि हो जाएगी। महात्मा ये साधु की तरह ही होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि महात्मा की सेवा करना, जो भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त है, वह द्वारम आहुर मुक्ति ही, जो हमको मुक्ति का द्वार खोल देता है। महत् सेवम द्वारम आहुर विमुक्त तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भागवत में बताया गया है कि अगर किस प्रकार से हम मुक्ति पा सकते हैं, अगर हम लोग भौतिकतावादी जो लोग हैं उनके प्रति अगर सेवा देते हैं तो उसका विपरीत असर होगा। इसी प्रकार से यदि कोई भौतिकतावादी के लोग की सेवा करता है या केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, और इस प्रकार से अगर हम उसका संग करते हैं तो हम नरक में पहुंच जाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस प्रिंसिपल को बताया गया है कि आसक्ति जो है वो अगर भक्त के प्रति हम लगाते हैं या भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम साधु के संग करके ये प्राप्त कर सकते हैं, और इसका नतीजा ये होगा कि साधु हमें ये बताएगा कि किस प्रकार से हमको भक्त बनना है, किस प्रकार से हमको भगवान की सेवा करना है और किस प्रकार से भगवान का दास बनना है। तो ये एक साधु जो होता है उनकी उनका उपहार है। और अगर हम साधु का संग चाहते हैं तो हम लोग ये नहीं सोच सकते हैं कि वो हमको किस प्रकार से हमारी भौतिक जीवन को सही करने में उपदेश देगा। वह हमें इस प्रकार की उपदेश देगा जो हमारे हृदय ग्रंथि को और हमारे भौतिक आसक्ति को काट देगा और किस प्रकार से हमको भक्ति की ओर ले जाएगा। यही साधु का संग का रिजल्ट है। कपिल मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाता है यदि हम ऐसे साधुओं का संग करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की। ओम ज्ञान स्मरणस्य ज्ञानञ्जना शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मायं दजाति स्वपदन्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयथापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहागनरग्नसंवितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यभेदं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखानिकांश्च। हे कृष्णपर्णा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पथे गोपेशगोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमस्ते। सप्तकाञ्चनगौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि कृष्णभानुसृते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। We're reading from the section where Lord Kapila is instructing his mother Devahuti. हम भागवत के उस भाग से पढ़ रहे हैं जहाँ पर भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं। Devahuti was the daughter of Swayambhu Vamanu and she was married to a great yogi. Prabhu, listen, don't take pictures when we're giving class. So she was married to Kardama
Karadama Muni, who is a great yogi. Devahuti स्वयंभू मनु की पुत्री थी और वे बहुत बड़े योगी कर्दम मुनि उनसे उनका विवाह हुआ था। So they were married and they had nice family life, but then Kardama Muni decided he was going to take sannyas and he left home. तो उनका विवाह हुआ था और उनका अच्छी तरह से जीवन चल रहा था लेकिन कर्दम मुनि ने फिर अब सन्यास लेने का निश्चय किया। He already made arrangements for his family. They had daughters and Kardama arranged the marriage of the daughters. And then the son, they had only one son, Kapila Muni, and Kapila Muni was there to take care of the mother. तो उनकी गृहस्थी अच्छी थी और उनके कुछ पुत्रियों का जन्म हुआ और कर्दम मुनि ने अपनी पुत्रियों का विवाह कर दिया और फिर उनके एक ही पुत्र था कपिलदेव और उसके बाद उन्होंने ये निश्चय किया। It's very interesting that Kardama Muni took sannyas even though he had a child who was the incarnation of the Supreme Lord. तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि कर्दम मुनि उन्होंने सन्यास ग्रहण किया हालांकि उनका पुत्र जो था वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था। So he shows the importance of the detachment later in life. Everyone must become detached before we give up this material body. तो इससे हमको ये ज्ञात होता है कि हमारे जीवन के जीवन में और मुख्य रूप से जीवन के अंत में विरक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के अंत में कम से कम हमको विरक्त होना ही चाहिए। So one of the ways in which you can become detached from everything material is by renunciation, by accepting the renounced order of life, like sannyas. तो एक तरीका है जिससे आप अपने जीवन के अंदर विरक्त हो सकते हैं वह है कि आप सन्यास ले और ये सन्यास ग्रहण करें। Of course, not only, you don't have to take sannyas, you can just simply become vanaprastha. Vanaprastha means also renouncing, giving up the material. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग सन्यास लो, लेकिन आप वानप्रस्थ भी हो सकते हो। उसका अर्थ यह है कि जितनी भी सारी भौतिक वस्तुएं हैं, आप उसका त्याग कर दो और वानप्रस्थ जीवन में जाओ। Right, the Vedas say, Panchasur Vam Vanam Vrajet. From the age of 50, about 50 or so, we should prepare to enter into the forest. Going into the forest means detaching from the material life. तो वेद हमको बताते हैं कि जब हमारी 50 वर्ष की उम्र हो जाए, तो हमको विरक्त हो जाना चाहिए और वन में चले जाना चाहिए और वहाँ पर जाकर हमारे को वैराग जो है उसका पालन करना चाहिए। It's important that we cultivate detachment before the end of life. Because at the time of death, it will determine what kind of body we're going to take in the next life. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हमारा जीवन खत्म करने के पहले वैराग्य ले ले क्योंकि यही निश्चित करेगा कि हमारा दूसरा जीवन क्या मिलने वाला है। Lord Krishna has said in the 8th chapter of the Bhagavad Gita, Yam yam vapi smaram bhavam chachiti anti kalevaram. Tam tam ivaiti kuntiya sadata bhava bhavitaha. That whatever we remember at the end of life, that will determine the birth or the body we take in the next life. So Bhagavad Gita, Bhagavan Sri Krishna, 8th adhyay mein ye baat batate hain ki hum marte samay jis bhi bhav ko leke hum apna pran tyagenge, usi bhav ko hum dusre jivan mein grahan kar lenge. And of course, Lord Krishna says, Antakale shamameva smaranva kalevaram. If we can remember him at the time of death, then we will go to him. और भगवान ये भी बताते हैं कि अगर अंत समय में हम भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे। Prabhupada, Srila Prabhupada in the first word explains to us, we cannot be without desire. There's going to be some desire. तो श्रीला प्रभुपाद जी हमको इस तात्पर्य में बताते हैं कि हम बिना इच्छा के नहीं रह सकते, हमारी कोई न कोई इच्छा तो होती ही है। Nature of the mind is to have desires. You cannot make the mind empty. तो हमारे मन का ये स्वरूप ही है कि हम इच्छा करते हैं, हम इच्छा रहित नहीं हो सकते। You make the mind empty for 1 minute, then the next minute something else comes in the mind. तो यदि हम मन को एक क्षण के लिए अगर हम खाली कर देते हैं तो दूसरे ही क्षण कुछ उसमें और आ जाता है। It's the nature of human
beings to be attached to something and someone and something. तो ये मानव का एक स्वभाव ही है कि हम किसी न किसी चीज से आसक्त रहते हैं. Srila Prabhupada said, if we're not attached to Krishna, then we will be attached to the country, or our family. Srila Prabhupada ji बताते हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण से आसक्ति नहीं रखेंगे तो हम हमारे परिवार से या हमारे देश से या किसी चीज से आसक्ति रखेंगे. And if maybe if you have no family, then you become attached to a dog or a cat. और यदि आपका परिवार नहीं है तो आप कुत्ते या बिल्ली से आसक्त हो जाएंगे. Everybody is going to be attached to something. तो हर कोई जो है किसी न किसी वस्तु से आसक्ति रखता है. Because we have desires and these desires force us to find some companion, to make some friendship, to become attached to something. और क्योंकि हमारे में इतनी सारी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं हमको जोर जबरदस्ती करती हैं कि हम किसी को अपना साथी बनाएं, किसी का संग करें. So it's not wrong to be attached. So nothing wrong in being attached. It's nature. तो आसक्त रहने में कोई बुराई नहीं है, ये हमारा स्वभाव है. The problem is we become attached to the wrong things. We become attached to the material things, and that causes us to take birth again in the material world. लेकिन मुसीबत ये है कि हम गलत चीज से आसक्ति हो जाते हैं और ऐसी चीज से आसक्ति करते हैं और इसी के लिए भौतिक संसार में हमारा दूसरा जन्म होता है. If we become attached to the spiritual, then that opens the doors to liberation. It's very good for us. और यदि हम आध्यात्मिकता में अपनी आसक्ति रखते हैं तो ये हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल देगा और हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा. So Devahuti was a very good lady. We said she was a daughter of Swayambhuva Manu, born in a very, very good family, and she had a good husband who was not a wealthy man. He didn't have a lot of money. So Devahuti बहुत ही अच्छी स्त्री थी, जैसा हमने बताया वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, बहुत अच्छे परिवार से थी और बहुत अच्छे जगह उनका विवाह हुआ था. जो उनके पति जो थे वो कर्दम मुनि के जैसे थे, बड़े महान भक्त थे, हालांकि ऐसा नहीं था उनके पास पैसा बहुत था. But he was a very rich man. His wealth was not in the bank. His wealth was not in property. It wasn't in motor cars. It wasn't in jewels. His wealth was in his culture, in his spiritual qualities. लेकिन वे बहुत ही धनी व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था या उनका धन जो था वो मोटर कार में था या उनका धन जो था वो ज्वेलरी में था, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन उनके पास जो धन था वो था हमारी संस्कृति में, हमारी समाज की जो वैल्यू है उसमें. He was a great yogi and he had yoga powers. और वे बहुत बड़े योगी थे और उनमें बहुत योगिक शक्तियां थी. He could, with his yoga siddhis, when his wife Devahuti, she wanted that they should begin her family, to have a family, and so he created a beautiful mansion. With his yoga powers, he created a beautiful mansion, and that mansion could fly, could go into the space, just like an airplane, and they went flying on this house, in this mansion. They flew to Mount Meru, to the heavenly planets. लेकिन उनमें इतनी शक्तियाँ थी कि अपनी शक्ति से जब देवहूति ने उनको कहा कि अभी हमें अपनी गृहस्थी की शुरुआत करनी है, तो उन्होंने बहुत ही बड़ा अपनी योगी शक्ति से ऐसा बहुत बड़ा बंगला बना दिया, एक ऐसा बंगला कि जो उड़ता था हवा के अंदर और अलग अलग दिशा में जाता था, माउंट मेरू और दूसरी जगह पे, और वो इस प्रकार से हवा में महल उड़ता था. So in this way, they enjoyed their family life. But then they had the family, they had the children, they got daughters, and they got this one son who is not an ordinary child, but he's an incarnation of God. इस प्रकार से उनकी बहुत अच्छी तरह से गृहस्थी चल रही थी और कई वर्ष उन्होंने गृहस्थी में बिताए. उसके बाद धीरे धीरे उनकी पुत्रिया हुई और उसके बाद उनका एक पुत्र हुआ, और ये पुत्र जो था ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये भगवान का एक अवतार था. It's meant to have children, and when you have children, you want the best quality children. तो हमारी गृहस्थी जीवन जो है उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चों की उत्पत्ति हो
और वे बहुत ही उत्तम प्रकार के बच्चे होने चाहिए. Yeah, we would like our children to be also incarnations of God. और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हो वो भी भगवान के अवतार जैसे हो. And if they are not incarnations of God, at least we want that this will be their last birth in the material world. और अगर वो भगवान के अवतार ना हो तो कम से कम हमारे को ये इच्छा तो करनी चाहिए कि ये जन्म उनका अंतिम जन्म हो. Yeah, we have children, and if you train these children to be pure devotees of God, and then they, at the end of their life, they won't go back to Godhead. They won't take birth again. हाँ, और हमारे बच्चे हैं, लेकिन हमको उनको इस प्रकार से अच्छा शिक्षा देना है कि वो शुद्ध भक्त बन के और इसी जीवन के अंदर भगवत धाम चले जाए और वापस इस भगवत धाम इस जीवन में नहीं आवे. Kardama Muni, he renounced, he went away, left his wife, but she's in the care of this one son, Kapila Muni, and he is there to guide and help his mother. तो कर्दम मुनि ने त्याग धारण कर लिया था, उन्होंने संन्यास लेके वो घर से चले गए, लेकिन देवहूति जो थी उनकी पत्नी वो उनका एकमात्र पुत्र जो था उसके संरक्षण में थी. So Devahuti was saying to her son that I'm feeling very pained that, you know, your father has gone away and left me, and I'm wondering what is this purpose of this life, that I'm a woman and I'm in this situation, you should guide me, what should I do? So Devahuti apne putr se keh rahi thi ki dekho main bahut dukhi avastha mein hu, मेरे पति देव ने मेरा त्याग कर दिया है, वो चले गए हैं, यहाँ पर बस मैं अकेली हूँ इस संसार के अंदर, तो इसलिए मैं बड़ी कठिन अवस्था में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, कृपया मुझे बताओ. So Devahuti was fortunate. She had a son who could guide her, who could give her proper instruction. Devahuti बहुत ही भाग्यशाली स्त्री थी, क्योंकि उनका पुत्र ऐसा था जो उनको अच्छी शिक्षा दे सकता था, जो उनको कुछ अच्छा बता सकता था. Just like in Bhagavad Gita, we see Arjuna in a very difficult situation. He was confused about his duty, but he had Krishna as a friend, and he surrendered himself to Krishna, and he asked Krishna to instruct him. तो जैसा कि हम भगवद गीता में देखते हैं कि अर्जुन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज अवस्था में होते हैं और ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है, लेकिन अर्जुन के पास भगवान श्री कृष्ण है जो उनके सखा के रूप में है, जो उनको अच्छा उत्तर दे सकते हैं और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं. The same way Devahuti is confused about what she should do, because she had her husband. When her husband was there, it was all right. But now the husband's gone, and she's confused. She's thinking, what should I do? तो उसी प्रकार से देवहूति जो है वो बहुत ही मोहित हो गई है, और क्योंकि उनके पति चले गए हैं, उनको पता नहीं क्या करना चाहिए, और ऐसी अवस्था में है वो. So Lord Kapila is telling her about the danger that if you become attached to something material, then this will be the cause of bondage in the world. तो इसलिए कपिल मुनि उनको समझाते हैं कि अगर आप किसी चीज से ऐसे आसक्ति रखेंगे तो उसी आसक्ति के कारण आप भौतिकतावाद में वापस से फंस जाएंगे. और आसक्ति का क्या कारण है? To be in bondage means you're not free, means you're under control by force. You're in a very uncomfortable, unhappy situation. We want freedom. We talk about liberation. Liberation means freedom. But bondage means you're not free. तो हम अगर ऐसी बद्ध अवस्था में है तो हम बंधे हुए हैं, हम कहीं नहीं जा सकते, हमको किसी प्रकार की आजादी नहीं है, और हमें आजादी चाहिए. हम सब जो है वो आजादी की बात करते हैं और बार बार आजादी की बात करते हैं. आजादी मतलब मुक्ति, और बंधन मतलब हम किसी बद्ध अवस्था में रह जाते हैं. We have to change the attachment. Instead of being attached to the material, we have to become attached to the spiritual. तो हमको ये आसक्ति जो है इसको सही जगह पर लगाना है. भौतिकता में आसक्ति न लगाकर आध्यात्मिकता में हमको आसक्ति लगानी है. Lord Kapila is telling his mother, you should become attached to a sadhu. You should find some holy person
who you can be attached to and who will guide you. कपिल देव यहाँ पर अपनी माँ को बताते हैं कि आप एक साधु हैं, उनसे आसक्ति रखिए, क्योंकि साधु आपको अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपको भगवान के बारे में बता सकते हैं। But how to recognize a sadhu? Because we know in the Kali Yuga there are many cheaters. लेकिन साधु कौन है? हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कलयुग के अंदर बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं। How can we know who is the real sadhu? We cannot judge by simply the dress. तो हम किस प्रकार से इस बात का पता लगाएंगे कि सच्चा साधु कौन है? क्योंकि केवल वस्त्र से हम लोग पता नहीं लगा सकते कौन साधु है। Somebody may have the very nice beard and they may have the nice saffron dress, but it doesn't mean they are sadhu. तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी बहुत सुंदर और अच्छी लंबी दाढ़ी हो और गेरुआ वस्त्र उन्होंने धारण किया हो, लेकिन ये बात से सिद्ध नहीं होता है कि वो सच्चे साधु है। You have to find a person who is actually attached to Krishna and to serving Krishna. तो आपको उस व्यक्ति का पता लगाना है जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेवा में आसक्त है। It's not enough to just find somebody who looks like the sadhu. ऐसा खाली वो नहीं है, पर्याप्त नहीं है कि जो साधु दिखता हो उसी के पास जाएं। You don't find the sadhu just by using the eyes. He looks nice. So I think he looks like a good sadhu. तो साधु की पहचान केवल हमारे नेत्रों से नहीं होनी चाहिए कि हाँ वो साधु जैसा दिखता है इसलिए साधु है। That's just like you go to a holy place. You cannot judge the holy place just by looking. You don't go to the holy place just to see. तो जैसे आप अगर कोई पवित्र धाम में जाते हो तो पवित्र धाम में जाके केवल पवित्र धाम को देख के उसकी अवस्था को देख के उसका पता नहीं लगाया जा सकता। You don't go to the holy place just to take a bath. तो the purpose of going to the holy place is much more than just going there to take a bath in the holy river. तो पवित्र धाम में जाने का केवल ये मतलब नहीं है कि हम बस वहाँ पर जाके डुबकी लगाएं या नहाएं। पवित्र धाम में जाना जो है वो उससे बहुत ही ज्यादा आगे महत्वपूर्ण है। Shastras say, if you go to the holy place just to take bath, then you're just like the foolish animal, like a cow or a donkey. तो शास्त्र हमको बताते हैं कि अगर आप पवित्र धाम में केवल नहाने के लिए जाते हो तो आप उस जानवर के समान हो जैसे कि गाय या दूसरा जानवर। If we just depend on our eyes, we will be cheated. We will never know the real thing. यदि हम हमारे नेत्रों पे भरोसा करेंगे तो हम धोखा खा जाएंगे। So we have to know how to recognize the sadhu. इसलिए हमको पता होना चाहिए कि साधु को किस प्रकार से पहचाना जाए। And we said, you don't just use the eyes, you have to hear and you have to inquire from them. और हम बताते हैं कि इसके लिए आप केवल अपना नेत्रों का प्रयोग न करें, आप अपने कर्ण के माध्यम से उनको सुनें। We have to be willing to ask questions to understand the absolute truth. The sadhu is somebody who knows the absolute truth and he should be able to reveal it to us. और हमको परम सत्य के बारे में उनसे प्रश्न करना चाहिए और साधु वह व्यक्ति है जो परम सत्य के बारे में जानते हैं और हमें उसका साक्षात्कार करवा सकते हैं। Lord Kapila is telling his mother, you have to find that person. You have to become attached to a sadhu, a holy person. तो कपिल देव जो है अपनी माता को यही बात बता रहे हैं कि आपको इस प्रकार का जो साधु है उसको ढूंढना चाहिए और उसमें अपनी आसक्ति रखनी चाहिए। But of course, just like many people, they may say, I want guru, I want a guru. But do we know what is the qualification of the guru? If we don't know who is the qualification of guru, then how will we find the guru? तो जैसे बहुत लोग जो है वो इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि मुझे गुरु चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, लेकिन आपको पता है कि गुरु की क्या योग्यता है? और जब तक आपको गुरु की योग्यता पता नहीं होगी, आप सच्चे गुरु का पता कैसे लगाएंगे? Just like if you want to buy gold, if you don't know how to identify what is real gold, then you may buy the wrong thing. You may say, well, it looks like gold, but it may not. It may just be gold plated. It's not real gold. तो जैसे अगर आपको सोना खरीदना है तो आपको सोने की पहचान होने चाहिए, और यदि आपको सोने की पहचान नहीं है तो आप कोई भी वस्तु खरीद लोगे जो सोने के जैसी दिखती है या जिस पे सोने का पानी चढ़ाया हुआ है, इसलिए आपको सोने की पहचान होनी चाहिए। So Lord Kapila is telling his mother,
You have to find a sadhu. You have to become attached to that person. You have to, before you were attached to your husband, he's gone. He's not coming back. You have to become attached now to the sadhu, that person who can open the doors to liberation. तो यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता से कहते हैं कि इसलिए आपको एक ऐसे सच्चे साधु का पता लगाना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा और उसमें अपनी आसक्ति लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले आपकी आसक्ति आपके पति में थी और आपके पति जा चुके हैं, वो वापस आएंगे नहीं, इसलिए आपकी आसक्ति जो है वो सच्चे साधु में लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे साधु में अपनी आसक्ति लगाने से ही मुक्ति का जो द्वार है वो हमारे लिए खुल जाएगा. When we become attached to that person, we don't just only put the picture up. We have to serve them. It is the attachment. It means that people want to serve them. तो यदि हमको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, ऐसे गुरु, तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम केवल उनका वहाँ पर फोटो लगा देवे. हमको उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी सेवा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं. Just like you have a child, naturally you have affection and attachment for your child. You don't just only love them, you have to take care of them, you have to serve them, you have to feed them, you have to wash them, you have to dress them. तो जैसे कि समझो आपका कोई छोटा बच्चा है और आपकी उसमें बहुत आसक्ति है, तो आसक्ति जब ऐसा नहीं है कि हम केवल उसमें आसक्ति रखते हैं, लेकिन हमको उसकी सेवा करनी पड़ेगी, हमको उसको खाना खिलाना पड़ेगा, हमको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसकी साफ सफाई करनी पड़ेगी और इस प्रकार से सेवा करेंगे. तो प्रेम का मतलब होता है सेवा. तो जैसे हम अपने परिवार को कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो उस प्रेम का मतलब है कि हम उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके लिए पैसे लाने पड़ेंगे, उनको बाहर घुमाने ले जाना पड़ेगा इत्यादि. तो उसी प्रकार से यदि हमारी साधु में आसक्ति है तो हमें उन साधुओं की सेवा करनी चाहिए. तो केवल ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा पिक्चर लगा के उनका दीवार पर रख दे और बोले ओ गुरु जी मेरे, लेकिन हमको उनकी सेवा करनी चाहिए. Prabhupada quotes the verse in the purport, Mahat sevam dwara mohur vimukti. By serving the Mahatmas, it opens the doors to liberation. तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे साधुओं की सेवा करके ही हमारे मुक्ति का द्वार खुल जाता है. What service are we going to do for the sadhu? और हम ऐसे साधुओं के लिए किस प्रकार की सेवा करेंगे? We have to serve them. How can we serve them? There are many things we can do to serve the sadhu. For example, Prabhupada wrote many books. So when we distribute Prabhupada's books, that is serving the sadhu. That is serving Srila Prabhupada. तो साधु की हम सेवा कैसे करेंगे? साधु की सेवा बहुत अन्य रूप में की जा सकती है. उदाहरण के लिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य लिखे हैं, तो श्रील ये बुक्स को अगर हम वितरण करते हैं तो वितरण के द्वारा हम प्रभुपाद जी की सेवा कर सकते हैं. When we put on a nice festival for Rav Navami or for Janmashtami, we have a nice festival and for to glorify the Lord. Then that is also service to the sadhu. That's very pleasing to Srila Prabhupada. तो जैसे बहुत सारे हमारे उत्सव हैं, जैसे कि रामनवमी, जन्माष्टमी, और इन उत्सवों पे जब हम इस उत्सव को मनाते हैं और ये चीज वहाँ पर लगाते हैं तो इससे साधु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं. When we bring new people to come into Krishna consciousness, we introduce our friends to come and learn about Krishna. That is also pleasing to the sadhu, is pleasing to the guru. तो जब हम नए लोगों को भक्ति में लेके आते हैं और उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको प्रोग्राम में लेके आते हैं और वे जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो ये देखकर प्रभुपाद जी और गुरु जो है वो बड़े खुश हो जाते हैं. When we take care of the devotees and help them in difficulties, we give them association, we give them good sadhu sangha, then that is also service to the guru. और जब हम भक्तों की सेवा करते हैं या उनकी सहायता करते हैं जब वे मुसीबत में है या उनका सम्मान करते हैं, तो इस प्रकार से करने से भी साधु जो है वो प्रसन्न होते हैं. By serving the devotees, it opens the doors. It makes it so much easier for us to progress in devotional service. और जब हम भक्तों की इस प्रकार से सेवा करते हैं तो हमारे मुक्ति का द्वार जो है
वो खुल जाता है और हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक होता है. In the Sri Vaishnavism, the Ramanuja Sampradaya, there was long, in the past there was this one devotee. He was doing the puja for the deity, and he was a very advanced devotee. So he was doing the puja and he was talking with the deity. Every day he was doing puja and he developed a relationship with the deity. They would talk to each other. जैसे रामानुजाचार्य जी के श्री संप्रदाय में ये उदाहरण है कि एक बहुत अच्छा भक्त था जो भगवान की पर्सनल सेवा करता था, उनकी पूजा आराधना करता था और उन्हें भगवान के साथ ऐसे संबंध बनाए थे कि वो भगवान के साथ रोज बात करता था और आदान प्रदान करता था. So the other devotees, they were also doing the puja and they saw that this devotee was talking to the deity. और अन्य भक्त भी थे, वो भी सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये भक्त जो है वो भगवान के साथ बात कर रहा है. So one of the devotees, he asked this devotee, he said, I know you're talking to the deity. He said, can you ask the deity for me? Ask the deity, am I going to get liberated at the end of this life? तो दूसरे भक्त ने जो इनको देखा कि भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि क्या आप भगवान से मेरे बारे में पूछेंगे कि कभी मुझे मुक्ति मिलेगी और कभी मैं भगवत धाम जाऊंगा? Would you like to know? Are you going to get liberated at the end of this life? तो आप सभी जानना चाहते हैं इसका उत्तर, क्या आप सभी लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं? Are you ready? आप तैयार हैं? So the devotee, he asked the deity. He said to the deity, Is this devotee going to get liberated? तो बाद में उस भक्त ने भगवान से पूछा उस दूसरे भक्त के बारे में कि क्या ये भक्त जो है ये मुक्त हो जाएगा? So deity said, yes, that devotee, a good devotee, he will be liberated. This will be his last life. तो भगवान ने कहा कि हाँ, वो अच्छा भक्त है, वो जरूर मुक्त हो जाएगा और ये उसका अंतिम जीवन है. Next life he is going to spiritual world. और उसका दूसरा जीवन जो है उसमें वो भगवान के धाम में चला जाएगा. So then the devotee said, what about me? Will I also get liberated? तो फिर उस भक्त ने भगवान से अपने लिए प्रश्न पूछा और कहा कि भगवान मेरे लिए क्या मैं भी भगवत धाम जाऊंगा? He said, no. तो भगवान ने कहा नहीं, आप नहीं जाएंगे. He said, why not? Why can't I get liberated? तो फिर उन्होंने पूछा कि क्यों, मैं क्यों मुक्त नहीं होऊंगा? He said, because you only serve me, you don't serve the devotees. और भगवान ने उत्तर दिया कि क्योंकि आप केवल मेरी सेवा कर रहे हो, भक्तों की सेवा नहीं कर रहे हो. Before you can go back to the spiritual world, you don't just only serve me, you must also serve the devotees. और भगवत धाम जाने के पहले केवल ऐसा नहीं कि आप मेरा ही सेवा करो, आपको भक्तों का सेवा करना पड़ेगा. We cannot just go to Krishna directly without a relationship with the devotees. और हम भगवान के पास ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं भगवान के भक्तों के साथ संबंध के बिना. So Lord Kapila is reminding his mother about this. He's telling her, you have to also become attached to a devotee, to a sadhu, because that will help you to get liberation. तो भगवान कपिल अपनी माता को इस प्रकार से बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपको किसी साधु के साथ अपनी आसक्ति रखनी पड़ेगी तभी आप मुक्त हो पाओगे. Attachment to the sadhu means we want to do service for them. We want to render some act, we do something to please them. तो साधु में आसक्ति का ये तात्पर्य है कि हमको उनकी सेवा करनी है और उनको प्रसन्न करना है. Just like your spiritual master may come here and he will want to know, what seva are you doing? जैसे समझो आपके गुरु यहाँ पर आते हैं और वे जानना चाहे कि आप कौन सी सेवा कर रहे हैं. Just like I remember Srila Prabhupada, when he would come to visit our temple, he would ask us, how many new devotees have you made? जैसे कि मुझे याद आ रहा है जब श्रीला प्रभुपाद जी हमारे मंदिर में आते थे तब हमसे पूछते थे कि कितने नए भक्त आपने बनाए हैं. And then he would say, how many books have you distributed? और फिर प्रभुपाद जी पूछते थे कि आपने कितनी किताबों का वितरण किया है. How many properties, how many houses or centers have you got? और वे फिर पूछते थे कि कितने घर, कितने प्रॉपर्टी या कितने सेंटर आप लोगों को मिले हैं. Prabhupada would understand how much service we're doing by the results. तो प्रभुपाद जी को
रिजल्ट देख के पता चल जाता था कि हम लोग कितनी सेवा कर रहे हैं. Prabhupada liked to see the results, right? When you see the results, it means devotees are working very hard and doing a lot of service. तो प्रभुपाद जी रिजल्ट को देख के समझ जाते थे, जैसे कि आपको जब रिजल्ट आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि भक्त लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं. If we say, oh, Prabhupada, we didn't distribute any books, we don't have any new devotees, but I'm having very nice prasad. I'm put on a lot of weight here. I'm having a good prasad. लेकिन सोचो यदि आप ऐसा कहें प्रभुपाद जी से कि हाँ प्रभुपाद जी हमने कोई पुस्तक का वितरण नहीं किया है, कोई भी नया भक्त नहीं बनाया है, लेकिन मैं अच्छा प्रसाद खा रहा हूँ और प्रसाद का सेवन कर रहा हूँ. प्रसाद इज वेरी नाइस, आई एम स्लीपिंग वेरी कंफर्टेबली, एवरीथिंग. तो प्रसाद बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छी तरह से नींद भी आ रही है. वो प्रॉपर्ट बी प्लीज नो प्रॉपर्ट से व्हाट यू दिस इज नॉट गुड, यू शुड बी वर्किंग फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा. तो यदि हम इस प्रकार से कहेंगे तो क्या प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे? नहीं, प्रभुपाद जी प्रसन्न नहीं होंगे. प्रभुपाद जी कहेंगे अरे ये क्या कर रहे हो, तुम जाओ और कुछ सेवा करो. We would work every day. We would go out to distribute the books. And after we would distribute the books the whole year, then we would tell Prabhupada how many books we had distributed. तो हम लोग बाहर जाते थे और किताब वितरण करते थे, और किताब वितरण करने के बाद हम आकर प्रभुपाद जी से बताते थे कि हमने कितनी किताबों का वितरण किया. And we would feel very good that, oh, we distributed so many thousands of books. और हमको बहुत प्रसन्नता होती थी ऐसा उनको आके हम बताते हैं कि हमने हजारों किताबों का वितरण किया. And then Prabhupada would say, now next year you should double it. और उसके बाद प्रभुपाद जी हमको कहते हैं कि हाँ, और आते साल में आप इसको दुगुना कर देना. This way Prabhupada was pushing us. He said, my spiritual master pushed me, I am pushing you. तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमको और थोड़ा धक्का देते थे और कहते थे कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आगे बढ़ाया और मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ. Lord Chaitanya wanted the holy name spread to every town and village all over the world. श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि उस पूरे संसार में हर गांव-गांव में भगवान के नाम का प्रचार हो. He didn't want us just only to sit down and chant Hare Krishna and eat nice prasada. तो वे केवल ये नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ बैठ के हरे कृष्ण का जप करें और प्रसाद खाएं. Of course, in the beginning, that's good. लेकिन we have to start. शुरुआत में खैर ये अच्छी बात है, हमको शुरुआत तो करनी है. But gradually we have to become stronger, we have to become more eager and enthusiastic to distribute the message of Krishna. लेकिन शने शने हमको भक्ति के अंदर बहुत उत्साहित होना है और आगे बढ़ना है और भक्ति में बहुत उत्साह दिखाना है. We have something very valuable. We don't want to just keep it for ourselves. We want to give it to everyone. और हमारे पास बहुत मूल्यवान वस्तु हमको मिली है जो हमको केवल अपने पास नहीं रखना है, दूसरों को उसका वितरण करना है. Prabhupada gives an example. Just like if you have the clay pot, you know, you have a big clay pot to keep the water in, and it keeps the water cool in the hot weather. You store the water in the clay pot. तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि मिट्टी का एक बहुत बड़ा घड़ा है और उसमें अगर आप पानी रखते हो तो गर्मी के मौसम में भी वो पानी ठंडा रहता है. So because clay is porous. So you put the water in the pot, but every day the water is a bit less, a bit less, a bit less. तो मिट्टी जो है वो सोखती है, तो जब उसके अंदर आप पानी रखते हो तो धीरे 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 वो पानी का लेवल थोड़ा कम होते जाता है. And one day if you don't put any more water in, the water will dry up. There'll be no more water left in the pot. और यदि कुछ समय के बाद आप उसके अंदर और पानी नहीं डालोगे तो धीरे 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 वो पानी कम होता होता सूख जाएगा. The same way knowledge of Krishna is like that. We have knowledge in our heart. We learn about Krishna. If we don't give it, if we don't share it with others, it will just dry up. तो उसी प्रकार से भगवत ज्ञान जो है वो इसी प्रकार से है कि यदि हम अगर उसको दूसरों को वितरण नहीं करेंगे, दूसरों को बताएंगे नहीं, तो वो ज्ञान जो हमारे पास है वो धीरे धीरे सूखता जाएगा. So we may say, oh, I don't know very much. But whatever little bit we know, it's more than what other people know. तो हालांकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हमको कुछ पता है वो दूसरों से ज्यादा है. Just like we say, I know I'm not the body, I know I'm the servant of Krishna. Oh, that's very good. We need to tell that to other people. तो जैसे केवल समझो हमको इतना ही पता है
कि मैं भगवान का दास हूँ और मैं आत्मा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है और हमको ये दूसरों को बतानी चाहिए. Srila Prabhupada had two disciples. They were young American people. They had a young daughter, just about 3 or 4 years old. And the little girl, little American girl, she was in India with her parents preaching. And she used to go around with a picture of Krishna. And she would show it to everyone. She'd say, "This is Krishna. Krishna is God." तो जैसे प्रभुपाद जी के एक बहुत ही यंग जो डिसाइपल थे और उनकी छोटी सी पुत्री थी 3-4 बरस की, तो वो पुत्री जब वो लोग भारत में थे तो वो अपने हाथ में भगवान श्री कृष्ण का फोटो लेके जाती थी और जाके सबको बताती थी कि देखो ये कृष्ण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा प्रचारक है ये, वह फर्स्ट क्लास प्रचारक है. So whatever knowledge we have, it may not be very much. Our knowledge may not be complete, but whatever we know, it's more than the conditioned souls and the people who don't know Krishna. And we have to try to help them and awaken them to Krishna. तो हमारे पास जो भी ज्ञान है, चाहे वो अल्प ज्ञान है, लेकिन फिर भी हमको दूसरों को जाकर ये ज्ञान बताना है, क्योंकि वो ज्ञान बद्ध जीवों से ज्यादा ज्ञान है हमारे पास जो हमको मिला है. और हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को जा जाकर ये बताएं. Just like people have some disease, you know, so many people in the world, they're suffering very much, cancer, and they undergo a lot of pain and so on. But if we know the cure for that cancer, then we would have to share it, we'd have to tell everyone how they can get cured. तो जैसे कि बहुत सारे लोग जो है बाहर, जिनको बहुत सारे व्याधियां हैं और उस व्याधि के अंदर वो लोग तड़प रहे हैं, जैसे समझो उनको कैंसर है वगैरह, और हमको अगर उसका उपचार पता है तो हमको जाके उस बीमारी का उपचार उनको बताना चाहिए. Because that, if we know the cure, then that can save them from all that misery, all the suffering. So we have this knowledge of Krishna consciousness. It can save people from the misery of material life. तो जैसे कि अगर हमारे पास उपचार है तो हमको उस उपचार को उनको बताना चाहिए ताकि उस व्याधि से उनको दूर कर सके. और उसी प्रकार हमको ये जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान जो है, ये हम जाके दूसरों को बताएंगे तब उसका उद्धार होगा. So this is the quality of the sadhu, the devotee. They're full of, they're very compassionate on others and they think how to help them, how to bring them out of their misery. तो ये एक सच्चे साधु का गुण है कि वो दूसरों को जाकर ये बात बताता है कि किस प्रकार से उनका दुख जो है उसको दूर किया जाए. Don't let them remain in their miserable condition. Try to help them. We have this knowledge. It can help them so much. We should be willing to take all efforts to give that knowledge. तो उनको इन बीमारी की अवस्था में मत रहने दो. वो बहुत तड़प रहे हैं और हमारे पास ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको जाके उनको वितरण करना है, उनको बताना है ताकि वो अपनी उस अवस्था में से बाहर आ सके. Of course, people may not appreciate, they may not like, they may not accept, but we should not become discouraged. हालांकि ऐसा हो सकता है कि लोग इसका प्रतिपादन ना करें, इसकी इसको सराहे नहीं या इसकी हमको ज्यादा इसके बारे में अच्छा ना कहे, लेकिन फिर भी हमको निराश नहीं होना है और अपना को उत्साह रखते हुए आगे बढ़ना है. A quality of devotee is compassion, right? We offer our obeisances to devotees. We say full of compassion for the fallen conditioned souls. So a devotee will be compassionate on others. He's not selfish, but he thinks about others. He wants to help others. तो भक्त का एक गुण है, विशेष गुण, वो है करुणा. और जैसे कि हम कहते हैं कि भक्त जो है वो पूरे करुणा से भरे हुए हैं और इसके लिए उस करुणा की वजह से हमको दूसरों का जाके उद्धार करना चाहिए और दूसरों को ये सब बताना चाहिए. When Prabhupada went to America in the 1960s, that time India was quite poor. And so when he went to America, people said to him, "Oh, you have come from India. Have you come also to beg, to take money back to India? Are you also coming like that, like so many others? They come from India, they just come to get money, to take back to their country." Prabhupada said, "No." सन 1960 में उस समय जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभुपाद जी से इस प्रकार का प्रश्न कर रहे थे कि ओ आप भारत से आए हो तो यहाँ पर आप क्या कुछ मांगने के लिए आए हो, यहाँ पर दूसरे लोग आते हैं जो हमसे कुछ मांगते रहते हैं
और कमा कर कुछ अपने देश में ले जाना चाहते हैं, आप भी कुछ ऐसा करने के लिए आए हो? और प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, नहीं। प्रभुपाद से, I did not come here to beg. I have come to give. You are lacking. You don't know God consciousness. You don't know about Krishna. I have come to give you what you don't have. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको देने के लिए आया हूँ। और आपके पास ये ज्ञान नहीं है, आपके पास इस चीज की कमी है, और उस कमी को मैं पूरी करने के लिए आया हूँ और आपको बांटने के लिए आया हूँ। People were telling Prabhupada, oh, when you go to the West, you will have to use two hands to eat. You will have to use the knife and the fork. In the West country, everybody, when they eat the food, they use two hands. They use the one for the knife and one for the fork. So you will have to eat like that. तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे तो कुछ लोगों ने उनको कहा, कह रहे आप अमेरिका जा रहे हो तो अभी आपको दोनों हाथों से खाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में वहाँ पर लोग दो हाथों से खाना खाते हैं, एक हाथ में चम्मच लेते हैं और एक हाथ में कांटा लेते हैं, और कांटे और चम्मच से लेके वो खाते हैं। Two hands means meat eater. When you use two hands to eat, it means you're a meat eater. You're not a vegetarian. Vegetarians, they only use one hand. तो यदि हम खाने में अपने दोनों हाथ का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मांस भक्षण करने वाले लोग हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, शाकाहारी लोग, वो केवल एक हाथ का प्रयोग करके प्रसाद देते हैं। But Prabhupada said, I am not going to learn from them. I am going to teach them. और प्रभुपाद जी ने बड़े विश्वास से कहा कि मैं उनसे कुछ सीखने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनको कुछ सिखाने के लिए जा रहा हूँ। So when I became devotee, all of us, when we joined Hare Krishna movement, we had to learn how to eat with one hand. So हम लोग जब ही कृष्ण भावनामृत का आंदोलन ज्वाइन किए और हम लोग जब इस आंदोलन में आए तो हमने ये सीखा कि किस प्रकार से एक हाथ से खाना चाहिए। Right, yeah. You sit on one hand, right? And then because you have the condition. We have so many bad habits. Conditioned to the material world, but Krishna consciousness is to change the bad habits to make us good. तो हमारी बद्ध अवस्था थी और एक हाथ से खाना मुश्किल हो रहा था, तो उसी प्रकार से हम इस भौतिक संसार के अंदर बद्ध अवस्था में है और वे उस बद्ध अवस्था से हमको बाहर आना पड़ेगा और कृष्ण भावनामृत में आना पड़ेगा। Right? In Bhagavad Gita, Krishna said, "Pavritim cha, nevritim cha, janana vidura suvarha." Krishna is describing the demonic qualities, asuric sampat. He said that asura, they don't know what they should do and what they should not do. तो भगवत गीता के अंदर भगवान इस बात के बारे में बताते हैं और आसुरिक प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, और वे बताते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। न सोचम न पिसाचरो न सचम तेषु विजयते। Neither cleanliness nor truthfulness, all of these things are not there in the quality of the asura. तो न तो सत्य न ही सोच, ये दोनों गुण जो है वो असुरों में नहीं होता है। So Prabhupada came to the West, he taught us these things. Like in the West, you know, people, they won't take bath every day. If they take bath once a week, you know, that's good. तो प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में आए थे और हम सबको ये गुण सिखा रहे थे, क्योंकि पाश्चात्य जगत में रहने वाले लोग उनको ये भी नहीं मालूम है कि रोज नहाना भी चाहिए। तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो ये जान के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर के अंदर कहीं नहाने का स्थान ही नहीं है। They said even the poorest man will take a bath every day they'll wash their cloth. But in the West, you know, they wear the same clothes every day for a week or more. तो जैसे भारत के अंदर लोग रोज स्नान करते हैं और अपना कपड़ा चेंज करते हैं, लेकिन पाश्चात्य देश में ऐसा नहीं है, बहुत सारे दिनों में कभी वो नहाते हैं या अपना कपड़ा चेंज करते हैं। So Prabhupada taught us so many things about cleanliness, truthfulness. He taught us what things to do and what not to do. तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारा गुण सिखाया सत्य के बारे में और सोच के बारे में कि क्या चीज हमको करनी चाहिए और क्या हमको नहीं करनी चाहिए। Right, before we became devotees, we had all the bad habits. But Prabhupada taught us what we should do and what we should not do. Give up
meat, fish, and eggs. Give up intoxication, gambling, illicit sex. Give up all these sinful activities. तो हाँ भक्त बनने के पहले हमारे में बहुत सारी बुरी आदतें थी और प्रभुपाद ने हमारी ये सारी बुरी आदतों को छुड़वाया और उन्होंने हमसे कहा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो उन्होंने हमको कहा कि मांस मच्छी और अंडा मत खाओ, जुआ मत खेलो, परस्त्री गमन मत करो और धोखाधड़ी न करो. He taught us, chant the holy name of Krishna, read books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी ने हमको कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसी पुस्तकों को पढ़ो. Don't waste the valuable human life. और आपका महत्वपूर्ण मनुष्य जीवन जो है उसको नष्ट मत करो. Lord Chaitanya sent Lord Nityananda and Haridas door to door to tell everyone, Bolo Krishna, Bajo Krishna, Koro Krishna Siksha. These three things very important. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को ये कहा था कि आप द्वार द्वार में जाओ, घर घर में जाकर ये शिक्षा करो. तीन चीज जो महाराज ने बताई कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा. And to do these things, you need the association of devotees. You need to be with devotees. Very important. और ये कार्य करने के लिए हमें भक्तों का संग चाहिए. हमको भक्तों के संग में रहना ये बहुत जरूरी है. Because in the association of devotees, then you will have nice kirtan, nice prasadam. You will have the good sangha. Even a moment, Prabhupada said, Lava matra sadhu sanghi sarva siddhi hoy. 1 second, fraction of a second is enough even for liberation. तो इस प्रकार से भक्तों के संग में हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है. हम वहाँ पर कीर्तन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से भक्तों के संग में रहते हैं. प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि लव मात्र साधु संघ के थोड़ा सा भी अगर एक साधु का हमको संग प्राप्त होता है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा. तमो द्वारम योषितम संगी संगम. If we associate with the material, then it takes us into hell. तो यदि हम भौतिकतावादी लोगों से उनका संग करें तो वो हमें नरक की ओर ले जाएगा. जीवा मरव साधु व्याधि मा जीव मा मरा. The sadhu doesn't matter if they live or if they die, because when they're living, they're chanting Hare Krishna, they have prasadam, they have good scriptural knowledge, and when they die, they'll go to be with Krishna, they'll go to do service some other place. So sadhuon ke liye ye fark nahi padta hai ki wo jeete hain ya marte hain. क्योंकि अगर जीते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं और भगवान की ये जो ग्रंथ है उनको पढ़ाई करते हैं और यदि वो मरते हैं तो भगवत धाम चले जाते हैं. But व्याधि मा जीव मा मरा, the butcher, don't live, don't die. You're living in hell. When you die, you go to hell. लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति या जो कसाई है वो ना तो जी सकता है ना मर सकता है, क्योंकि जब वो जीता है तो नरक में जीता है और मरता है तो नरक में चला जाता है. We must be very careful with this human form of life. We have, it's a great opportunity. We can go up, but we can also go down. तो हमको बहुत सावधान रहना है इस मनुष्य जीवन का किस प्रकार से प्रयोग करें. हम हो सकता है ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम नीचे भी चले जाएं. Krishna does not force us. He gives us free will. It's up to us how we use this life. तो भगवान वो हमारे पे फोर्स नहीं करते हैं, वो हमको हमारा फ्री विल दिया है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं. After many births, we have come to this human life. It's very rare, very special to get the human birth. 84 life species of life, and so only 4 life species are human species. तो बहुत जन्म जन्मांतरों के बाद हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है और इसको हमको व्यर्थ नहीं जाने देना है. 84 लाख योनियां है, उसमें से केवल 4 लाख योनि मनुष्य की है. But even more rare is to get association with devotees. और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है भक्त का संग प्राप्त होना. Even more rare is to get the mercy of the spiritual master. और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है कि हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो. He said, by the mercy of Krishna, you get guru.
जैसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको गुरु प्राप्त होते हैं Then by the mercy of guru, you will get Krishna. और फिर गुरु की कृपा से आपको कृष्ण मिलते हैं We have to become attached to the service of the spiritual master. और इसीलिए हमको गुरु की सेवा के प्रति आसक्त होना है ओके हरे कृष्ण एनी क्वेश्चन हरे कृष्ण किसी का कोई प्रश्न है एनी प्रॉब्लम भक्त लोग प्रश्न पूछ सकते हैं यदि आप चाहें